हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों बातचीत के दौरान मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो एक सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक होने वाली है, चाहे वीकली चार्ट पे मैंने आपके साथ बात किया था या फिर डेली चार्ट पे। मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी बता दिया था कि भाई ये जो कैंडल बनी है, लास्ट वाली कैंडल, ये एक वीक कैंडल है। और मैंने बताया था कि एक कैंडल टूटने वाली है और आप देखिए कि जो इसका अगला सपोर्ट होने वाला है वो सपोर्ट सीधे सीधे ये वाली लाइन आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आगे बहुत कुछ बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी, स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, और वो क्या चीज़ है वो आपको अभी समझ में आएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक दो सिनेरियो बन रहे हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत साझा करूंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन एक चीज आपको देखने को आ रही होगी कि निफ्टी जिस प्रकार, जिस हिसाब से गिरा है, हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए लेकिन फिर दोबारा से ये नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आएगा तो क्या सपोर्ट लाइन रहने वाली है, इसके बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन होने वाली है दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको थोड़ा सा होशियारी के साथ निवेश करना है जिससे कि आप फंसे ना किसी भी स्टॉक में और आपको एक गहरा सेटबैक ना लगे, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 21,800 का लेवल है दोस्तों, ये निफ्टी का स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। इसके अलावा नीचे जाने की गुंजाइश काफी कम है, तो इस बात को आप जरूर नोट कर लेना। 21,800 का लेवल निफ्टी दिखा सकता है, 21,800 का लेवल, ये इस लेवल को आप मार्क कर लेना। और इस लेवल पे जब आएगा तो वहां से जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक कर सकता है, ये बात आपको याद रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और मैंने सपोर्ट लाइन खींचा है, ये भी आप नोट कर लेना। लेकिन 21,800 का लेवल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में कुछ स्टॉक है मेरे लिस्ट में, मेरे हाईलाइट लिस्ट में, जिसको कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को डाउन नहीं होने देंगे, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे और बल्कि कभी कभी अप भी होंगे अगर मार्केट किसी भी तरह से डाउन होती है तब भी। तो चलिए देखते हैं फटाफट वो स्टॉक और देखते हैं कि क्या इनमें कितना जान है, किस तरह की कंपनियां हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ रॉक्स हाईटेक के बारे में बात कर रहा हूं। अभी भी ये एक उम्दा वैल्यूएशन पे आपके लिए उपलब्ध है, मात्र 12 का पी है इस कंपनी का। और अगर आप रिजल्ट का वेट करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे हिसाब किताब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रही है। क्यों फिट बैठ रही है, आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है, ईयरली रिजल्ट पे हम बात करेंगे। आप देखिए कि 1 करोड़ से 21 करोड़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनी है। और सेल्स भी आप यहाँ से देखेंगे 2021 से तो 64 करोड़ से 176 करोड़ हो गया है। अगर आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, तो आपको देखने को मिलेगा कि 60%, 29%, 32%, यानी 20% से ऊपर का सेल्स ग्रोथ है। अब आपको क्या चाहिए, कंपनी अच्छी है, छोटी है, आने वाले समय में डेटा सेंटर में काम कर सकती है और इसका बिजनेस भी मुझे ठीक ठाक लगा है। तो मुझे तो अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन भी उपलब्ध दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों, AIK पाइप एंड पॉलीमर लिमिटेड। अच्छा, इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, चूंकि इसका जो स्टॉक का पी है ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल दिखाई पड़ रहा है मुझे, और डेट टू इक्विटी यानी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। करीब करीब 65 करोड़ प्लस का इसके पास ऑर्डर बुक है, और आप देखना कि मात्र 80 करोड़ की कंपनी है, 125 के प्राइस पे मिल रही है आपको। और जब आप देखेंगे इसके रिजल्ट को, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है 18 लाख से 3.41 करोड़ हो गया है, यानी काफ़ी अच्छे ढंग से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है और सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है बढ़ते हुए। तो इस हिसाब से मेरा जो एक क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रहा है।
15 का रिजर्व है, 15 करोड़ का बोरोइंग 5 करोड़ की है, और आपको देखने को मिलेगा कि फिक्स्ड एसेट भी कंपनी इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे, बने रहिए। अभी देखते हैं हम एक मेन बोर्ड की कंपनी को। अगली कंपनी है दोस्तों VPRPL। बराबर मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, लगभग मैं इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाया है और मैं बताया हूँ कि इस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है करीब करीब 4,900 करोड़ के आसपास का है, और आप देखना कि 3653 करोड़ का मार्केट कैप है, 293 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हालांकि रिजल्ट बेहतर नहीं आया था, आप सबके साथ मैंने रिजल्ट के बारे में चर्चा किया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा डाउन रिजल्ट आ गया था, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कंपनी अच्छा कर रही है। क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि कंपनी का भविष्य काफी ज्यादा उज्ज्वल है। आप सबको पता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट थीम है कितनी बड़ी थीम है, इसके बिना हम शहरीकरण की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि शहरीकरण होगा तो आप सबको पता है कि वेस्ट आएगा, और वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, और ये वही कंपनियां काम कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ध्यान रहे दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मेरा प्योर अपना पर्सनल व्यू है, मैं किसी से मतलब प्रभावित होकर आपको स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रहे, इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरा या फिर मेरी फैमिली का निवेश हो सकता है, तो हो सकता है कि मैं किसी कंपनी के लिए बायस हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा अवश्य कर लेना है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड, ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है, और इसका हालांकि लॉट साइज भी कम कर दिया गया है, तो आप चाहो तो आप इसमें निवेशित हो सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, कंपनियां आपको यहाँ पे इसका जो वैल्यूएशन है आप देखेंगे कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकती है, ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड। तो ट्रस्ट फिनटेक को भी आप नजर में बना के रखिए। हाँ, ध्यान रहे, मैं कंपनियों को रिजल्ट के माध्यम से ही चूज करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स परसेंटेज किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, ट्रेस करना उस कंपनी को आपका काम है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड, 3824 करोड़ का मार्केट कैप है, और मैंने बताया था कि ये स्टॉक आपको 1600 की प्राइस पे मिलेगा, और इस प्राइस पे आप इसे छोड़ना मत, इस प्राइस पे इसे बाय करना, जबरदस्त कंपनी है, और जब गजब का फंडामेंटल है कंपनी का। आप देखेंगे 388 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 149 करोड़ की है, और कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। अच्छा, अगली जो कंपनी है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आप देखना कि एसएमई की कंपनी है, और मुझे अभी ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसका स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का पी लगभग में बराबर है, और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, इसके कारण मैं इस कंपनी को आपके लिए बता रहा हूँ। और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाय करना, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लेना, इसके बारे में अध्ययन करना, तब भी आप इसमें निवेश करना। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।